सभी को पता है बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, सख्त लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में ऊपर बैठ के वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोड़ा पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ, तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग, एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले, तो ये दो घटनाएं मिक्स है या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पू वाला इधर से आया, टेम्पू वाला, तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10-15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन, सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी परमिशन कैमरे ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, उनको गाल दे लीजिए, किसने दी है उनसे पूछो ना, उनको गाल, माँ बेटियों को मेरे को गाल दे रहे, उनको किसने परमिशन दी है उनको धक्का मारने? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं तो एक बार पता कर लीजिए, सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी छोड़वाएंगे। 10 मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से, आप लोगों ने मंगाया था उसको? हमने मंगाया है, कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख रहे ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने, इतने गुनेगार है हम देश के, बैठे एक पुलिस वाले से पूछ लो, हमने किसी से बदतमीजी की होगी? एक पुलिस वाले, सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप, इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात ऑर्डरिंग कर रहा था, जिसने सिर्फ आगे बात होने जा रहा था, चुप रहा था, वो और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस, वो जो उनके एसीपी थे, उनके डीसीपी थे, एसीपी थे, जो भी थे, उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडे छुपा दो, मतलब छुपा दो। अच्छा, डंडे लोगों का आगे स्टैंड क्या होगा? पुलिस आप बता दो हम क्या करें, देखिए नहीं आप बता दो, आप बता दो क्या करें, ये गोली ले रहे हैं ना, ये बंदूक ले रहे हैं ना, सारे मार दो, इज्जत तो हमारी छोटी नहीं, इन्होंने इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा, मतलब कोई पुरुष है इसका मतलब क्या, उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने, हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना हम क्या करें, गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी, सड़क में हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है वो, ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि ले गाओ, आज ये सब गिल्ले हो गए, कहाँ पे सोए आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? तो देखिए, पूरी रात भर का ये घटनाक्रम है, जिस तरह से ये नोकझोंक हुई है पुलिस वालों की रेसलर्स के साथ, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम रेसलर्स ने की है, जहां पर उनका जो दर्द है वो कैमरे के सामने छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि बैठने की जगह तक नहीं थी, बारिश के चलते पानी जमा हो गया था, इसी वजह से ये फोल्डिंग बेड मंगाए गए थे, जिसको लेकर ये नोकझोंक हुई है।